हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट फोर। तो पार्ट वन, टू एंड थ्री आप देखना ना भूले, अभी तक अगर नहीं देखा तो इजीली समझ आएगा नेक्स्ट जो है। तो बजट लाइन करने वाले हम आज। बजट लाइन क्या होती है देखो, सिंपली आप सोचो, अगर आपने कुछ नहीं परचेज करना है तो आपकी जेब में अमाउंट पड़ा होगा, आपका पहले से बजट बना होगा कि मेरे पास इतना बजट है, मैंने इस बजट में अपना जो भी परचेज करना है, जो भी शॉपिंग करनी है, वो मैंने इसी बजट में करनी है। कंज्यूमर जो होता है, जब वो कंज्यूम करता है तब उसके पास भी एक बजट होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा उसके पास। उस अमाउंट को खर्च करके वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकता है, तो वो बजट लाइन बताती है। तो बजट लाइन क्या बोलता है, बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड वन एंड गुड टू विच अ कंज्यूमर कैन बाय। जो बजट लाइन है ये क्या शो करेगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगी किसके, गुड वन एंड गुड टू, दो गुड्स के, विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। गिवन इज बजट, देखो उसका बजट दिया होगा, बजट का मतलब यहाँ पे है उसकी इनकम दी होगी, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो दिया होगा कि उसने एक्सपेंडिचर कितना करना है, खर्चा कितना करना है। एंड द प्राइसेज ऑफ गुड वन एंड गुड टू, ये भी आपको दिए होंगे, प्राइस ऑफ गुड वन एंड गुड टू भी आपको दिए होंगे, ठीक है। एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम आइदर ऑन गुड वन और गुड टू और ऑन बोथ गुड वन एंड गुड टू। ये बोलता है कि बजट लाइन पे चाहे कहीं भी कंज्यूमर किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा दे तो वो सेटिस्फेक्शन में होगा बजट लाइन पे, ठीक है। और हो सकता है वो पूरे का पूरा पैसा गुड वन पे लगाए, या हो सकता है पूरे का पूरा पैसा गुड टू पे लगाए, या फिर दोनों पे लगाए, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो बजट लाइन क्या है आप देख सकते हैं, बजट लाइन का मतलब आप कंज्यूमर का बजट दिया हुआ है, जिस बजट में उसने कंज्यूम करना है दो गुड्स को। हो सकता है वो पूरा पैसा एक गुड पे लगाए, हो सकता है पूरा पैसा दूसरी गुड पे लगाए, या फिर दोनों में लगाए पैसा, और कितना जितना उसका बजट है उतना टोटल बनना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे, अगर 30 रुपीज़ आपके पास है टोटल, आप 30 के 30 रुपये गुड वन पे भी लगा सकते हैं, या 30 के 30 रुपये गुड टू पे भी लगा सकते हैं, या फिर दोनों पे इस तरह से पैसे लगाएंगे कि टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो 30 बनेगा। एग्जांपल क्या बोलता है, लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ 60 रुपीज़। मतलब बजट का मतलब है, माना कि कंज्यूमर के पास कितना है, 60 रुपये, कितना है, 60 रुपीज़, ठीक है। टू बी स्पेंट ऑन गुड वन एंड गुड टू, जो कि उसने खर्च करना है किसके ऊपर, गुड वन एंड गुड टू पे, दो गुड्स दिए। ऑल्सो एज्यूम दैट प्राइस ऑफ गुड वन इज ₹2, ये भी दिया है कि गुड वन का जो प्राइस है वो कितना है, 2, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज 1 रुपी पर, ये याद रखना आपने कि गुड वन का जो प्राइस है वो 2 पर यूनिट है, और गुड टू का कितना है, 1 पर यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट में डायग्राम आएगा भी, उसमें आपको काम आएगा ये कि जो एग्जांपल लिया मैंने उसमें क्या किया है, बजट, टोटल बजट जो है कंज्यूमर का जो उसने खर्च करना है, दैट इज टोटल जो उसने खर्च करना है उसके पास 60 रुपीज़ है, कितना है, 60 रुपीज़ है, और गुड वन का प्राइस भी दिया है, गुड टू का प्राइस भी दिया है, ठीक है। तो अब हम इससे, इस एग्जांपल को करने से पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज बजट सेट क्या होता है। बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट सेट क्या होता है, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब दो गुड्स के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम से परचेज कर सकता है, उसको जब दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम बजट सेट। तो जो बजट सेट है आपका उसकी एक इक्वेशन भी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 2 इज लेस देन इक्वल टू y। बजट सेट का मतलब है सारे के सारे कॉम्बिनेशन उसमें डाल दो जो जो कंज्यूमर अटेन कर सकता है अपनी इनकम से, ठीक है। अब क्या है, इनकम मान लो 60 रुपये, यहाँ पे 60 रुपये थी, मान लो उसने खर्च किया गुड वन पे भी गुड टू पे, फिर भी उसकी 60 से कम बन रही है, वो भी आएगी बजट सेट में, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है 40 रुपये का, वो भी आएगा, ठीक है। हो सकता है ये जो है ये और ये प्लस करके 60 रुपीज़ के बराबर आए, ये और ये सेम आए, तो भी ये बजट सेट में आएगा। मतलब बजट सेट एक ऐसा वो है जिसमें सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन, चाहे वो इनकम से कम बने चाहे वो इनकम के बराबर बने, ठीक है। तो बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट, तो बजट सेट को हम बजट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं।
तो बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर, मैंने बजट सेट के बारे में अभी बताया था। बजट सेट क्या है? कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, जैसे यहाँ पे दिए कॉम्बिनेशन कि गुड वन का इसने 0 यूनिट परचेज किया और गुड टू का 60 परचेज किया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने पूरे का पूरा, ये भी एक सेट बन गया। देखो ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ले सकता हो कि एक गुड्स का कोई यूनिट नहीं लेना, दूसरे के 60, एक के 10 लेने, दूसरे के 40 लेने, तीसरे फिर एक के 20 लेने, फिर दूसरे के भी 20, फिर एक के 30, दूसरे के 0। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है ये वाले, इनको जब मिला के बोलेंगे वो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे? बजट सेट। तो बजट सेट को हम किस पे, यहाँ पे डायग्राम में जब दिखाए गए बजट सेट के जो कॉम्बिनेशन है, जब उनको डायग्रामेटिकली दिखाए गए तो उसको क्या बोलेंगे हम? बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। क्या बोलेंगे? ये जो हमने दिखाई, ये वाले यहाँ पे हमने शो किए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे जो ये बना हमारे पास ये वाली, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बजट लाइन या फिर क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो शो करता है वो प्राइस रेशो शो करता है। क्या करता है ये जो लाइन है, ये क्या करती है? प्राइस रेशो शो करती है, तो इसलिए इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उसने गुड वन के 0 यूनिट कंज्यूम किए तो उस टाइम उसने 60 यूनिट किसके किए? गुड टू के, क्योंकि गुड टू का प्राइस कितना था भाई? गुड टू का प्राइस हमारे पास, मैंने बताया था आपको, गुड टू का प्राइस था 1 रुपीज। तो 60 रुपीज उसके पास थे, जो मैंने एग्जांपल अभी बताया था उसमें 60 रुपीज थे। तो पूरे का पूरा पैसा, देखो गुड एक्स का तो कोई, गुड वन का वो कोई भी यूनिट नहीं ले रहा, तो किसके ले रहा है? गुड टू के। तो 60 रुपीज उसको खर्च करना है 1 रुपए के हिसाब से, तो 60 यूनिट वो परचेज करेगा किसके? गुड टू के। वैसे ही दूसरा जो बना, अगर वो गुड टू को 0 ले रहा है तो गुड वन के कितने लेने पड़ेगा उसको? 30 यूनिट। क्यों? क्योंकि एक यूनिट का प्राइस जो गुड टू, गुड वन है आपका, गुड वन का एक यूनिट का प्राइस 2 रुपए है, तो टोटल उसके पास 60 है। इसका मतलब 60 डिवाइड बाय 2, कितने यूनिट्स लेगा वो? 30 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो गुड वन को 0 कर रहा है तो 60 यूनिट किसके करेगा? गुड टू के। और अगर वो गुड टू को 0 कंज्यूम कर रहा है तो गुड वन को कितना करेगा, करना पड़ेगा? 30, क्योंकि 30 × 2 कितना होता है? 60। तो 60 रुपीज टोटल करने हैं उसने, ठीक है। और अगर इसका कुछ कंज्यूम नहीं करेगा, इसके 60 करेगा, क्यों? क्योंकि 60 × 1 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज उसके खर्च हो गए पूरे पूरे। तो ये हो गया हमारा ये। फिर एक्सप्लेनेशन जो इसकी लिखी है मैंने, वो देखो, दिस बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द एजम्पशन दैट प्राइस ऑफ गुड वन इज ₹2 यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज ₹1 पर यूनिट एंड द कंज्यूमर हैज ₹60 टू स्पेंड अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम 30 यूनिट्स ऑफ गुड वन एंड मैक्सिमम 60 यूनिट्स कैन बी परचेज्ड व्हेन एंटायर बजट इज स्पेंट ऑन गुड टू। अगर वो एंटायर बजट गुड वन पे करता है तो 30 यूनिट्स लेगा, और अगर एंटायर बजट अपना पूरा करेगा किस पे? गुड टू पे, तो वो 60 यूनिट उसके परचेज करेगा। तो बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन बिकॉज इट शोज द प्राइस रेशियो ऑफ गुड वन एंड गुड टू। तो फिर ये समझ आ गया होगा आपको, मैंने दिखा दिया आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर मान लो इसकी कंजम्पशन 0 है तो टोटल इनकम कितनी थी उसकी? देखो सिंपल, देखो अगर इसकी कंजम्पशन 0 है तो पूरा पैसा कहाँ लगाएगा वो? वाई पे, कमोडिटी गुड टू पे, ठीक है। कमोडिटी टू के कितने यूनिट लेगा वो? देखो उसके पास 60 रुपीज है और कमोडिटी टू का प्राइस है 1, तो इसका मतलब 60 यूनिट लेगा, तो 60 आ गया। और मान लो अगर इसका कितना है? 0 है, तो इसके कितने लेगा वो? पता लग जाएगा आपको कैसे करेंगे आप। इसका 60 रुपीज उसके पास इनकम है, पूरी किस पे करनी है? गुड वन पे, तो गुड वन का प्राइस कितना है? 2, तो कितने यूनिट लेगा वो? 30 यूनिट। तो इसको मिला दो, फिर इसके ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सारे अटेनेबल होंगे, ठीक है। तो किसी पे भी वो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन इसके ऊपर बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं? बजट सेट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बजट सेट एंड बजट लाइन। नेक्स्ट क्या है? बजट सेट एंड बजट लाइन। एक मिनट, ये है नेक्स्ट टॉपिक। पहले इसके बिल्कुल बाद में जो है, जो हमने अभी किया ये बजट लाइन, बजट लाइन के नेक्स्ट टॉपिक जो है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है जिनको हम अटेन कर सकते हैं। अटेन का मतलब जिसको कंज्यूमर
अपने लिए यूज कर सकता है कौन, इसके ऊपर यहाँ बताया मैंने, देखो फिजिबल एंड अटेनेबल अलोंग द लाइन, लाइन के ऊपर कहीं भी अगर कॉम्बिनेशन, मान लो इसने ऐसे और ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन 40 इसके यूनिट और नीचे जो भी आएगा वो आएगा, या 30 या फिर ये, तो कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे लेता है वो, तो वो भी क्या होगा, फिजिबल या फिर अटेनेबल बोलते हैं उसको। और नॉन फिजिबल या फिर नॉन अटेनेबल कौन सा होगा, जो आउटसाइड द लाइन, इस लाइन के बाहर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा नॉन अटेनेबल, वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर नहीं कंज्यूम कर सकता क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उसके लिए नहीं बना, वो उसके बजट से बाहर है, क्योंकि बजट उसका अलाउ करेगा यहाँ तक, इतना बजट है उसके पास, यहाँ से आगे अगर चला जाएगा तो उसके पास बजट नहीं है तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। नेक्स्ट टॉपिक जो है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल आपको पता लग गया। ठीक है, बजट लाइन से आगे नहीं जा सकते क्योंकि अगर आपका बजट उतना है तो आप उतना ही खर्च कर सकते, उससे आगे आप खर्च नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ गया आपका बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है। बजट सेट आता है सबसे पहले, बजट सेट इंक्लूड्स ऑल कॉम्बिनेशन। देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें हो सकता है वो अपनी इनकम से कम स्पेंड कर रहा हो या फिर अपनी इनकम के बराबर स्पेंड कर रहा हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, उसके बाद 60 रुपीज़ थे, हो सकता है वो इस तरह से खर्च करे इनके ऊपर कि 40 रुपीज़ बने, वो भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा किसमें, बजट सेट में। हो सकता है 50 रुपीज़ बने तो भी इसमें आ जाएगा, हो सकता है इक्वल टू 60 बने बराबर बन जाए तो भी बजट सेट में आएगा। तो बजट सेट हो गया ये, जिसमें क्या आते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कंज्यूमर के पास अवेलेबल है वो सारे इसमें आएंगे। बजट लाइन में क्या डिफरेंस है, जो बजट लाइन है आपकी, बजट लाइन में क्या बोलता है, बजट लाइन इंक्लूड्स ओनली सच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू गिवन इनकम। मतलब इसकी अगर इक्वेशन बनाए तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी इसकी, देखो P1X1 प्लस P2X2 इक्वल्स टू Y, मतलब जितना खर्चा उसने X कमोडिटी पे किया प्लस जितना खर्चा उसने Y कमोडिटी पे किया इक्वल्स टू कितना, जितना उसके पास टोटल खर्चा था। तो एक ही इक्वेशन बनेगी जब, मतलब जितना उसने खर्चा किया और वो उसके पास जितना खर्चने के लिए पैसा था अगर वो बराबर हो जाता है, इसका मतलब वो बजट लाइन है, और अगर ये वाले है तो इसको बोलेंगे बजट सेट। ठीक है, तो अब आ गया स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकलती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, बोलने का मतलब है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस अपॉन गेन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन का मतलब है यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज इन वाई अपॉन चेंज, मतलब आपने जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने क्या किया, यहां से 10 यूनिट्स छोड़ दिए, किसके, गुड वाई के, गुड वाई के उसने 10 यूनिट्स छोड़ दिए, और उस 10 यूनिट्स को छोड़ने की वजह से उसको 5 यूनिट्स गेन हुए, किसके, गुड एक्स के। तो जितना उसने सेक्रीफाइस किया जितना गेन किया, तो 10 अपॉन 5 कितना आ गया, 2। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, उसको क्या बोलेगा, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन, एक ही बात है। अब उसके बाद क्या आता है, इट इज कॉन्स्टेंट थ्रू द प्राइस लाइन सिंपली बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बोलता है कि जो स्लोप एक बार आ गया वो हमेशा वही रहेगा, इसमें स्लोप चेंज नहीं होगा। अगर 2 है स्लोप तो चाहे इस पॉइंट पे निकालो चाहे इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो कितना आएगा, स्लोप 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। आप नेक्स्ट लाइन बोलते, प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज PX एंड PY आर टेकन एज गिवन इन द मार्केट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इसलिए होती है क्योंकि PX एंड PY आपको मार्केट टेकन एज गिवन इन द मार्केट, ये आपको गिवन है पहले से। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा देखो, वैसे बहुत वैसे बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है इंडिफरेंस का, बट अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे इसको एक एक टॉपिक करते और इसको ध्यान से समझेंगे, हर एक पार्ट वीडियो का देखेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एक टॉपिक को देखो। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं शिफ्ट्स इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट कब कब हो सकते हैं, शिफ्ट का मतलब है आपकी बजट लाइन जो है
आपके पास अगर 30 रुपीज़ है, आपके पास जैसे कंज्यूमर के पास अभी कितने थे, देखो 60 रुपीज़ बोला था मैंने, जो एग्जांपल लिया था हमने, कितने थे 60 रुपीज़ थे, ठीक है। अब ये 60 रुपीज़ मान लो ये वाला है उसका बजट लाइन, ये वाला जो ए बी दिया है मैंने, बीच वाली जो है 1 2 3 तीन बजट लाइन है, बीच वाली मान लो 60 वाली है, जब उसके पास कितने रुपीज़ थे 60 रुपीज़ थे, ठीक है। अब क्या हुआ उसके पास आगे कितने रुपीज़, 90 रुपीज़, कितने 60 से कितने आगे, पहले 60 थे अब कितने आगे 90 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली उसका बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो उसका फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी बजट लाइन, मतलब वो ज़्यादा स्पेंड कर सकता है, उसके पास बजट बढ़ गया। अब सिंपल है बिल्कुल कि बजट लाइन तब आगे को जाएगी जब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बजट जब बढ़ जाता है तो लाइन भी आगे को चली जाती है। बजट अगर कम हो जाता है, मान लो पहले 60 था उसके पास खर्च करने के लिए, अब 30 है, तो लाइन क्या आ जाएगी पीछे को, ये वाली मान लो ओरिजिनल है, अगर मान लो इनकम बढ़ गई तो आगे को चली जाएगी बजट लाइन, मतलब बजट लाइन मतलब उसका स्कोप बढ़ जाएगा कंज्यूमर का, वो कंज्यूम ज़्यादा कर सकता है। फिर अगर मान लो इनकम कम हो गई तो पीछे आ जाएगी बजट लाइन, फिर वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसका बजट उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये आ गया। तो शिफ्ट्स में हमारे पास एक फॉरवर्ड शिफ्ट है, एक बैकवर्ड है। फॉरवर्ड कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होती है, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो ये पीछे को आता है, बैकवर्ड इधर को, फॉरवर्ड आगे को, ठीक है। तो ये भी लग गया पता आपको, ठीक है। अब आता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन में क्या आता है हमारे पास, रोटेशन ऑफ बजट लाइन का मतलब है सिर्फ पूरा पूरा चेंज नहीं होगा, ठीक है, पूरा पूरा चेंज नहीं होगा, रोटेशन ऑफ बजट लाइन जो है उसमें पूरा पूरा चेंज आपके पास नहीं होगा। रोटेशन ऑफ बजट लाइन में सिर्फ मतलब लाइन शिफ्ट नहीं करेगी पूरे की पूरी, एक साइड से शिफ्ट करेगी, उसको बोलते हैं रोटेशन। और एक होता है शिफ्ट, शिफ्ट होता है पूरा पूरा शिफ्ट होना। तो बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट व्हेन पीएक्स और पीवाई फॉल्स। अगर मान लो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई गिर जाती है, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई अगर गिर जाती है, कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट की ओर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले ए बी था, और मान लो प्राइस किसका गिर गया, प्राइस कमोडिटी एक्स का गिर गया, इसका मतलब उसकी ज़्यादा क्वांटिटी आप ले सकते हैं, तो ये आगे को चला जाएगा। व्हेन पी एक्स फॉल्स ए बी इक्वल्स टू ए बी आर, ए बी आर का मतलब है जो बी है वो बी आर राइट को चला जाएगा, बी आर का मतलब है राइट को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी ज़्यादा कमोडिटी आप ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसका प्राइस कम हो चुका है। वैसे ही अगर वाई में होता तो वाई में भी क्या करते हैं, हम ए था यहाँ पे ए बी, और अगर इसका प्राइस कम हो गया तो इसकी आप क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, तो ऊपर को चला जाएगा ये, ठीक है। ये था गुड एक्स और ये है गुड वाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने। वैसे ही जैसे बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कब जाएगी, मतलब आप इतना कंज्यूम कर सकते थे पहले, अब कितना करेगा आप इतना, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ चुका है, अब आप इसकी क्वांटिटी इतनी ही ले सकते हैं, ठीक है। बी लेफ्ट में चल जाएगा तो बी एल लिखा है मैंने, फुट में एल है नीचे तो बी एल लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल देखो कि यहाँ पे पहले ए ये वाला था, ए और बी ये वाला ए बी था, अब प्राइस जैसे वाई का बढ़ गया तो जितनी क्वांटिटी आप अभी ओ से लेके ए तक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब कितनी ओ एल करेंगे, ए लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, इसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम रोटेशन। पहले वाला जो किया हमने उसको बोलते थे हम शिफ्ट, अगर पूरा पूरा राइट में चला जाता है वो शिफ्ट है, राइट हो चाहे लेफ्ट हो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट, और अगर एक साइड से जाए उसको बोलते हैं।